कोड है वो है ZOL401, ठीक है जी, 401 ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइटल क्या है हम लोगों के पास जी, टाइटल है जी एनिमल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है जी, एनिमल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है जी, एनिमल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स। तो ये हम लोगों का कोर्स टाइटल है, कोर्स कोड मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो हम, मैं शॉर्टली जो है बच्चे आपको आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता दूं कि कोर्स कंटेंट्स जो है इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसका जो है वो एक बेसिक सा जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है जी। हम इसके अंदर जो है वो इसका बेसिक सा जो है वो इंट्रो देखेंगे कि आपके पास जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी जो है उसमें जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की किस तरह करते हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, ट्री डायग्राम्स को और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड नंबर पर जो है वो हम इसके अंदर जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है यानी कि प्रोटोजोआ को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है जी, प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पर जो है वो मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसमें जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास फोर्थ जो कंटेंट आ जाता है वो है जी ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट बॉडी प्लांट्स, ठीक है जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सिलोमेट बॉडी प्लान आ जाते हैं, ठीक है जी, बॉडी प्लान, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों के पास आ जाते हैं सूडो सिलोमेट बॉडी प्लान, ठीक है जी। तो मैं इधर लिख देती हूँ जी, नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास सूडो सिलोमेट बॉडी प्लान आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो है वो मुलस्कन जो है उनको देखना है, ठीक है जी, कि किस तरह जो है वो एवोल्यूशन मुलस्कन्स के अंदर आई है, मुलस्कन्स एनिलिड्स, ठीक है जी। इसमें जो है वो हम मुलस्कस को देखेंगे, एनिलिड्स को देखेंगे, ठीक है जी, एनिलिड्स, और इसके अलावा जो है वो आर्थ्रोपोड्स इनको स्टडी करेंगे, ठीक है जी, आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है बेटा कोर्स कंटेंट हम लोगों के पास वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है जी हेक्सोपोड्स एंड मेरियापोड्स, ठीक है जी, उनको स्टडी करेंगे, हेक्सोपोड्स, ठीक है जी, मेरियापोड्स, इनको जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये बेटा ओवरऑल कोर्स कंटेंट्स हो गए हम लोगों के एनिमल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। उसमें जी मैंने आपको बताया जी, हम इंट्रो इसका देखेंगे, हम प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करेंगे कि सेलुलर लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस का है वो किस तरह का है, कितनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जा रही है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो हम इसमें जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स को देखेंगे, आफ्टर दैट जो है वो हम सूडो सिलोमेट्स को देखेंगे, फिर इसके बाद जो है वो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट जो है मोलस्कन्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, हेक्सापोड्स और मेरियापोड्स जो हैं ये क्या हैं, इनको स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट्स ऑफ द कोर्स कोड जूलॉजी 401, दैट इज एनिमल डाइवर्सिटी इन इनवर्टिब्रेट्स। तो जो हम लोगों का लेक्चर है उसमें जी हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पर हम लोग कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन होती क्या है, ठीक है जी। तो ये मैंने जो है वो आप लोगों को कोर्स कंटेंट्स बता दिए हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। उसके बाद जी हम लोगों के पास आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये हम लोगों के पास आज का जो टॉपिक है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है बेसिकली,
ठीक है जी, या ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को जो है वो हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज ये होगी किस तरह स्टडी कर सकते हैं और किस बेस पर जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस जो हैं या जो है वो टैक्सा जिस तरह जो है वो लीनियस ने बनाया तो उसको जो है वो स्टडी करेंगे। तो बेसिकली पहली हम लोगों के पास आ जाती है चीज, एक टर्म आती है वो है जी सिस्टमैटिक्स, ठीक है जी, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, ठीक है जी, टैक्सोनॉमी। Sometimes we pronounce it alternatively, but these are different category या different terms हैं, दोनों अलग अलग है। Systematics जो है वो एक अलग से terms है, taxonomy जो है वो एक अलग से है। तो अगर जो है वो बेटा हम overall definition की बात करें, systematics और taxonomy की class overall जो है simple common definition की बात करें, तो हम कहते हैं कि हम जो है organisms की diversity को, उनकी kinds को, ठीक है जी, वो जो है वो स्टडी करते हैं। तो हम सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी, ठीक है जी, टाइप्स आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है जी। और फिर इसके अलावा जो है अगर स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक्स की बात करें तो उसमें जो है वो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं टाइप्स, डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनको जो है वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के अंदर। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो दिस इज ऑल इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। तो क्या है क्लासिफिकेशन, क्या है कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम टर्म यूज करें सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी, क्या है कि ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स को, डाइवर्सिटी को और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी करना, वो हम लोगों के पास सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाते हैं। अब जी हम लैदा लैदा देखेंगे कि हम लोगों के पास जो है वो सिस्टमैटिक्स क्या है और जी आपके पास जो है वो टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है जी। तो हम सिंपली कहते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूं हमें जो है वो नीड क्यों है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स या इस ब्रांच की, तो यहाँ पर हम नीड इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशी की जो है वो डिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट स्पीशी है या एंशियंट स्पीशी है उसकी स्टडी के लिए जरूरी है हम लोगों के पास क्या चीज, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी टू स्टडी द, ठीक है जी, टू स्टडी द स्पीशीज इमर्जेंस। इमर्जेंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी बेस पर भी, ठीक है जी, एवोल्यूशनरी बेस पर भी। तो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी इमर्जेंस, ठीक है जी, टू स्टडी द स्पीशीज इमर्जेंस, और इसके अलावा जो है वो हम क्या करते हैं, देयर रिलेशनशिप विद अदर, ठीक है जी, एंड रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो ये दो चीजें आ जाती हैं हम लोगों के पास किसके अंदर, नीड के अंदर, कि व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसकी वजह क्या है, हमने स्पीशीज को पढ़ना है, हमने स्पीशीज के रिलेशनशिप को पढ़ना है, हमने उनके इमर्जेंस को पढ़ना है कि सबसे पहला कौन सा स्पीशी आया हम लोगों के पास, फिर जो है वो इवॉल्व किस तरह हुए, फिर डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है वो हम लोगों के पास कैसे आई। तो स्पेसिफिकली एक और टर्म यहाँ पे, एक और चीज भी हम सिंपली लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिख दी, डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए हमारे पास नीड है किस चीज की, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। तो बच्चे ये तो टैक्सोनॉमी की जो है वो और सिस्टमैटिक्स की जो है वो सिंपल जो है या ओवरऑल जो है वो मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दी। इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी जो है उसमें दोनों में जो है वो क्या फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं मेंशन करती हूँ, फर्स्ट जो है वो आपके पास आ जाते हैं जी टैक्सोनॉमी की तरफ, ठीक है जी, टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, और इसी तरह जो है वो सिस्टमैटिक्स क्या है, ठीक हो गया जी। तो उसमें जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है कि हमने रिजेंबलनेस की बेस पर ग्रुप बना दिए, ठीक है जी, हम सिंपली कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स या कैटेगराइजेशन, ठीक है जी, कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स
ऑफ एनिमल ऑन द बेस ऑफ रिजेंबलनेस ऑन द बेस ऑफ रिजेंबलनेस ठीक है जी, रिजेंबलनेस की बेस पर एक चीज, और फिर सेकेंडली जो है वो टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कैटेगराइजेशन, या सिंपली जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम स्पीशीज की जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो इस वे में देते हैं, किस वे में, कि उनके ग्रुप्स बना के। तो हम जो है वो टैक्सा, इसमें एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर, ठीक है जी, हम टैक्सा बनाते हैं, मतलब के ग्रुप बनाते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म के जिनका जो मिलते जुलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, इसी तरह कोई और फ्लाई जिनके जो है वो आपके पास जो है वो उनके जो है वो पर की अगर मासलत की बात करें तो हम कहते हैं किसी मौजूद है, या विंग का जो है वो एक पेयर मौजूद है तो हम कहते हैं उसको एक कैटेगराइजेशन या एक टैक्सा के अंदर रख दिया। तो ऑल दोज इंसेक्ट विच कैरी वन पेयर ऑफ विंग वी कैटेगराइज इनटू वन टैक्सा। इसी तरह ही कुछ के जो है वो कलर्स की बेस पर रिजेंबलनेस है तो हमने उसको एक टैक्सा में रख दिया, ठीक है। प्लांट्स की हाइट की बेस पर जो है वो हमने एक टैक्सा पे बेस पे रख दिया। तो टैक्सा का मतलब है कि हमने ग्रुप्स बना दिए। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स के अंदर ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन हम स्पीशीज को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज लिखती हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम एक चीज कहते हैं कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आए, ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी कौन से, हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया के बाद कौन से आए, यू बैक्टीरिया के बाद जी हम लोगों के पास एलजी, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो इस सब का हमने किस बेस पर इनकी कैटेगराइजेशन की, ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पर जो है वो हमने कैटेगराइज कर दिया। तो सिस्टमैटिक्स वर्ड यहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है कि जब हम कैटेगराइज करते हैं एनिमल्स को ऑन द बेस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो वो सिस्टमैटिक्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल आज से कितने साल पहले कौन सी स्पीशी आई तो वो सिस्टमैटिक्स में है। हमने कहा इतने मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो हम लोगों के पास प्रोक्रियोट्स आए, फिर यूकेरियोट्स आए, प्रोक्रियोट्स में भी कौन सा पहला प्रोक्रियोट आया, फिर कौन सा दूसरा प्रोक्रियोट आया, फिर एडवांसमेंट क्या आई, ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वी कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज। तो उसको जो है वो हम सिस्टमैटिक्स में रखते हैं। टैक्सोनॉमी में क्या है कि ऑन द बेस ऑफ रिजेंबलेंस, सिंपली हमने कहा कि ये वाला इस वाले ऑर्गेनिज्म के साथ मुमासलत रखता है तो हमने इसको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, ठीक है, विदाउट एनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, हमें कोई नहीं पता कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। तो उस बेस पर जब हम इनको कैटेगराइज करते हैं तो वो हम लोगों के पास क्या आ जाती है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वर्ड निकला ही टैक्सा से है कि इसका मतलब क्या है कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है। हायरार्की वर्ड जो निकला है इसका मतलब है एक पूरा सीक्वेंस, पैटर्न, ठीक है जी। तो ओके जी बेटा, नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है टॉपिक आप लोगों के पास, वो है जी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है जी, के बेसिस क्या है हायरार्की की, या सिंपली जो है वो हमने टैक्सोनॉमिक या टैक्सा जो है वो बनाए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, वो किस बेस पर बनाए हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो हम लोग के पास टैक्सोनॉमिक, ठीक है जी, हायरार्की आ जाता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की का क्या मतलब है कि अरेंजमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ टैक्सा ऑन विच बेस, हमने टैक्सा जो है वो किस बेस पर जो है वो बनाए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेसिस ऑफ टैक्सा, टैक्सा की बेसिस कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि टैक्सा की जो है वो हम लोगों के पास दो बेसिस हैं, कौन सी, फर्स्ट जो है वो टैक्सा की जो बेस आती है वो है जी हम लोगों के पास सिंपली रिजेंबलनेस, या यहाँ पर जो है वो मैं एक वर्ड मेंशन करूंगी, दैट इज सिमिलैरिटीज, ठीक है जी, सिमिलैरिटीज की बेस पर। सेकेंड जो है वो हम कहते हैं, जिस तरह भी हमने सिस्टमैटिक्स के अंदर पढ़ा, एवोल्यूशन की बेस पर,
ठीक है जी, एवोल्यूशनरी स्टडी हम लोगों के पास मौजूद थी, तो एवोल्यूशन की बेस पर जो है, तो बेसिस ऑफ टैक्सा इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, वन इज सिमिलैरिटी एंड अदर इज एवोल्यूशन। अगर जो है वो बेटा सिमिलैरिटीज की बात करें तो हमें पता है कि फर्स्ट साइंटिस्ट लिनियस जिसने सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास ग्रुपिंग की थी या क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो जब भी जो है वो टैक्सोनॉमी की या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात आ जाए तो पहला जो नाम जो है वो हम लिखते हैं वो है जी के कार्लस लिनियस। ठीक है जी, कार्लस लिनियस का, ठीक हो गया जी। तो कार्लस लिनियस जो है वो हम लोगों के पास, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो किस बेस पर, तो कार्लस लिनियस ने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है किस बेस पर, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, उनकी अपीयरेंस की बेस पर। ठीक है जी, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी, मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो है वो उसने इनको जो है वो कैटेगराइज किया, ग्रुप्स बना लिए। ठीक है जी, उसने क्या कहा कि जो मिलती जुलती स्पीशीज है उनको एक टैक्सा में रखें। ठीक है जी, तो उसने क्या किया, सिमिलियर स्पीशीज को, सिमिलियर स्पीशीज इनटू वन टैक्सा, स्पीशीज इनटू अ टैक्सा, एक टैक्सा में रखा। ठीक है, इसी तरह ही कोई और दो से चार स्पीशीज आपस में मिलती थी उनको दूसरे टैक्सा में रख दिया। तो इसने जो ग्रुप बनाया जिसमें एक जैसी स्पीशी को रखा, ठीक है जी, या सिंगल ग्रुप की अगर मैं बात करूं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपली अपीयरेंस में वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो उसको जो है उस ग्रुप को हम एक वर्ड देते हैं, दैट इज टैक्सोन। ओवरऑल उसको क्या बोलते हैं, टैक्सा। और टैक्सोन क्या है, एक सिंपल है जिसके अंदर मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म रख दिए। तो फर्स्ट टाइम कार्लस लिनियस वो साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। किस बेस पर करवाया, ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जो है वो हम लोगों के पास, यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूं जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल वो वाले इंसेक्ट्स जिनके अंदर जो है वो आपके पास जो है वो विंग्स, वन पेयर ऑफ विंग्स मौजूद था, तो उसने उनको एक टैक्सा में रख दिया। ठीक है जी, एक टैक्सा के अंदर। इसी तरह ही जो है वो किसी दो और स्पीशीज के अंदर जो है वो कोई एक आध करेक्टर मिलता जुलता था, तो उसने क्या किया, उनको किसी दूसरे टैक्सा के अंदर जो है वो रख दिया। में जो है वो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो हम टैक्सोन की बात करें तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल फ्लाइज जो हैं जिनमें एक जो है वो पेयर ऑफ विंग मौजूद था, तो उसने जो है वो उन फ्लाइज को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपके पास जो है वो बीटल्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बटरफ्लाइज, ठीक है जी, बटरफ्लाइज, इसके अलावा जो है वो हम लोगों के पास बीज वगैरह, उसको क्या किया, उसने एक टैक्सोन बना दिया उनका। एक टैक्सोन मतलब एक ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पर जो है उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। तो ये कार्लस लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ऑल्दो कार्लस लिनियस टोटली डिनाई एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को नहीं मानता था कार्लस लिनियस, जस्ट उसने रिजेंबलनेस की बेस पर ये ऑर्गेनिज्म इससे मिलता है तो उसने इसको रख दिया, लाइक प्रोटिस्ट जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, लाइक फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, मिलते जुलते रिजेंबलनेस रखते हैं, तो उस बेस पर उसने कहा इनको एक कैटेगरी में एक ग्रुप के अंदर रख दें। लेकिन अब जब एवोल्यूशन का जो है वो हम एवोल्यूशन को मेंशन करते हैं तो कार्लस लिनियस को लाजिम मेंशन करते हैं, क्योंकि इरादतन नहीं लेकिन उससे एवोल्यूशन का उसने सबूत जो है वो दिया है और उसने खुद नहीं माना इस चीज को। ठीक है, तो उस हमें एवोल्यूशन का सबूत इसी की जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम से कैसे मिलता है, वो इस तरह मिलता है कि इधर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल बीटल्स और बटरफ्लाइज जो हैं, हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं तो इनका कोई एंसेस्टर जो है वो कोई एक ही है। ठीक है, इसी तरह ही जो है वो कोई दो ऑर्गेनिज्म जिनको इसने कैटेगराइज किया एक ग्रुप के अंदर, उनके कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो हमने देखा कि उनके अंदर जेनेटिक रिजेंबलनेस भी है, जेनेटिक कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं जो शो कर रहे हैं कि कभी इनका एंसेस्टर एक था।
तो एवोल्यूशन का जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो है वो कार्लस लिनियस के थ्रू आता है, लेकिन खुद ये साइंटिस्ट जो था ये डिनाई करता था एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अगर जो है वो कार्लस लिनियस को अगर हम देखें तो जो है वो हम कहते हैं कि इसने जो है वो बेसिकली पांच टैक्सा जो है वो कार्लस लिनियस ने बनाए थे। लेकिन आजकल जो है वो मॉडर्न दौर में जो है वो हम लोग कहते हैं हम लोग के पास कितने टैक्सा मौजूद हैं, 8 different taxa आर प्रेजेंट हियर। तो वो टैक्सा भी हमने किस बेस पर बनाए हैं, वो टैक्सा हमने जो है वो रिजेंबलनेस प्लस एवोल्यूशनरी करेक्टर्स की बेस पर बनाए दिए हैं। तो अब जो है वो अगर उन हम कहते हैं कार्लस लिनियस ने जो है वो बेसिकली 5 taxa बनाए, लेकिन आज जो है वो मॉडर्न ईरा के अंदर हम लोगों के पास कितने टैक्सा जो है वो मौजूद हैं, 8 taxa जो है वो मौजूद है, ठीक है। किसी भी स्पीशी को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम 8 taxa जो है वो यूज करते हैं। वो टैक्सा कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास डोमेन आ जाती है। डोमेन के बाद ये बेटा हम लोग जो है वो ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की तरफ या कम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम स्पीशी लेवल से यानी कि सिंपलेस्ट लेवल से भी कम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं और कम्प्लेक्स से सिंपल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो टैक्सा डोमेन लिख रही हूँ। डोमेन के बाद हम लोगों के पास क्या आ जाता है, किंगडम। किंगडम के बाद हम लोगों के पास क्या आता है, फाइलम। एंड फाइलम के बाद हम लोगों के पास क्लास। क्लास एंड देन फिर हम लोगों के पास क्या आ जाता है जी, ऑर्डर, ठीक है जी। ऑर्डर के बाद हम लोग के पास आ जाती है फैमिली। एंड फैमिली के बाद हम लोग के पास आ जाता है जीनस, ठीक है जी। उसके बाद जी हम लोग के पास जीनस आ जाता है एंड देन हम लोग के पास आ जाती है स्पीशीज, ठीक है। तो इसी तरह 8 जो है वो टैक्सा के अंदर जो है वो हम लोग इसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास जो है वो हायरार्किकल करैक्टर्स में जो है वो हम स्पेसिफिकली जो है वो अरेंज करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि हम जो है वो टैक्सा बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन। तो उसमें जो है वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टैक्सोनोमी हायरार्की बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन की बेस पर जो है वो हम किस तरह जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। सो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन क्या है कि चेंजेस हैं विद इन टाइम। तो विद इन टाइम जो सा ऑर्गेनिज्म जिस तरह आया हम उसको जो है वो उस हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग के पास जो है वो प्रोकैरियोट्स आए एंड प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स के में भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया भी कौन से थे, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है जी। जो के क्या करते थे, ऑक्सीजन की जगह जो आपके पास जो है वो वाटर की जगह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है यूज करते थे, या सिंपली हम कहते हैं मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया जो है वो आर्की बैक्टीरिया थे। उसके बाद हम लोगों के पास यू बैक्टीरिया आए, ठीक है जी। यू बैक्टीरिया से नेक्स्ट जो है फिर जो है वो आपके पास जो है वो क्लासिफिकेशन आई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। बैक्टीरिया से जो है वो आप लोगों के पास नेक्स्ट हम कहते हैं एल्जी, प्रोटिस्टा, ठीक। फिर आपके पास जो है वो एनिमल्स, प्लांट्स, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो जब हम टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो जब कैटेगराइज करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उसको हम बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन। मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन की वो ये कि आपके पास लिनियस साइंटिस्ट जो था वो नहीं मानता था किस चीज को, एवोल्यूशन को, बट अनइंटेंशनली जो है वो उसकी जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है टैक्सोनॉमी वो हमें एक प्रूफ देता है एवोल्यूशन का। वो किस तरह के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जो है वो कैसे बताता है। हमने एक चीज देखी थी यहाँ पर अभी अभी कि ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो है वो किसने, कार्लस लिनियस ने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। तो अगर रिजेंबलनेस की बेस पर या सिमिलैरिटीज की बेस पर या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज की बेस पर जो है वो अगर रिजेंबलनेस करवाई थी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, तो वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बता रही है कि कभी इनका एंसेस्टर जो था वो एक था। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज जो है वो किस तरफ इशारा देती हैं, एवोल्यूशन की तरफ। तो अब अगर हम एवोल्यूशन की बेस पर टैक्सा बना दें, हम सबसे पहले जो है वो किसको मेंशन करते हैं, हम सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट को मेंशन करते हैं, आफ्टर दैट जो है यूकैरियोट्स को मेंशन करते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों के पास टैक्सा जब इस बेस पर बन जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हमने टैक्सोनॉमी यानी कि टैक्सोनॉमी हायरार्की करवाई है ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन।
तो ये जो है वो हम कहते हैं कि जो क्लोजली रिजेंबलनेस रखने वाले थे, जो कि हमें कार्लस लिनियस ने बताया था, उनकी रिजेंबलनेस ये चीज शो करती है कि कभी इनका एंसेस्टर फोर फादर कोई एक ही था, ठीक है जी। फॉसिल रिकॉर्ड भी यही बताते हैं, क्या बताते हैं कि कभी इनका, यानी कि अगर जो है वो यहाँ पर हमने आगे जो है वो ट्री डायग्राम भी पढ़नी है, लेकिन मैं शॉर्टली यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दूं आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ट्री डायग्राम में क्या पढ़ते हैं कि कभी इनका एंसेस्टर जो था वो एक था। तो फॉर एग्जांपल अगर ट्री डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि कभी इनका जो है वो एंसेस्टर जो था वो कोई एक था। तो ये वाला जब इस बेस पर जो है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि ये कोई एंसेस्टर ए है, ठीक है जी, इसके बाद इसका ऑफस्प्रिंग कोई बी है, फिर इसका ऑफस्प्रिंग कोई सी है, फिर उसका ऑफस्प्रिंग कोई डी है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो आपके पास बी जो है इसका एंसेस्टर ए है, सी का एंसेस्टर बी है, डी का एंसेस्टर सी है, बट दे ऑल हैव अ कॉमन एंसेस्टर विच इज एंसेस्टर ए। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि हमने एवोल्यूशन की बेस पर जब ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनिज्म जिनका एंसेस्टर एक है, तो जब हम इस बेस पर जो है वो कैटेगराइज करते हैं तो इसको बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की बेस पर जो है वो हमने कैटेगराइज कर दिया। तो ये बच्चे हम लोगों के पास आज का जो है वो लेक्चर यहाँ तक कम्प्लीट हुआ। आज के लेक्चर में इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन में हमने सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को देखा है, ठीक है जी। उसके बाद टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के डिफरेंशिएशन को देखा है कि उनके दरमियान जो है वो हम लोगों के पास फर्क कौन कौन सा आ जाता है। आफ्टर दैट जो है वो बेटा हम लोगों ने क्या चीज देखी है, हमने जो है वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखी है, उसमें जो है वो टैक्सोनॉमी ऑन द बेस ऑफ जो है वो हमने रिजेंबलनेस या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो कि हमें कार्लस लिनियस ने दिए। उसके बाद जी हमने जो है वो की बेस पर कहा कि एवोल्यूशन अब जो है वो मॉडर्न एरा में हम क्या करते हैं कि ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है जी।